हेलो दोस्तों, एएस कैफे में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में रिलेशन मैनेजर की पोस्ट निकली हुई है और 376 ये पोस्ट है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर्म भरते वक्त आपकी फीस कितनी लगेगी और आपकी एज कितनी होगी। तो दोस्तों, मैं आपको पूरी नोटिफिकेशन दिखाता हूँ कि आपको ये फॉर्म भरने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए और आपके क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए और आपको फॉर्म भरने के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है या नहीं। और अगर आपको एएस कैफे भरना हो तो एएस कैफे को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिल जाए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ऐसा रिलेशनशिप मैनेजर वैकेंसी 326 ये वैकेंसी है। आपकी एज 24 से 35 ईयर होनी चाहिए और आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा इन मैनेजमेंट में आपके पास होना चाहिए और आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिलेशन मैनेजर इन वेल्थ मैनेजमेंट विद इन पब्लिक बैंक्स और ये वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर कि आपकी जो 50 पोस्ट है और इसमें आपकी उम्र 23 से 35 ईयर होनी चाहिए और इसमें भी आपसे जो है डिग्री यूनिवर्सिटी कौन सी भी यूनिवर्सिटी से आपकी जो है बैचलर डिग्री मांगी गई और 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा इन मैनेजमेंट आपसे मांगा गया है और इसमें एक्सपीरियंस 1.5 ईयर का मांगा गया है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसा रिलेशनशिप मैनेजर की जो आपकी पोस्टिंग कहीं भी दे सकते हैं। अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, कहीं भी जो आपकी पोस्टिंग दे सकते हैं। और ये वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर की आपकी पोस्टिंग सिर्फ मुंबई में ही होगी। और दोस्तों, आप यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हैं कि इस बेस पर आपका सिलेक्शन होगा और आपका टेस्ट तो लिया ही जाएगा और इसके बाद इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। और दोस्तों, आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, www.bankofbaroda.co.in पर जाकर आप इसको फिल कर सकते हैं और आपकी पेमेंट ऑनलाइन होगी। आप ऑनलाइन ये पेमेंट काट सकते हैं और मैं इस नोटिफिकेशन को पढ़ने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप आसानी से इस नोटिस को पढ़ सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स, फोटो और साइन अपलोड करने के लिए आपका साइज कितना होना चाहिए? तो दोस्तों, आपका साइज 20 से 200 KB का होना चाहिए और उनकी पिक्सल 200 से 230 तक डायमेंशन होना चाहिए। फोटोग्राफ की हाइट 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए और सिग्नेचर की भी आप देख सकते हैं, सिग्नेचर आपका 10 KB से 200 KB का होना चाहिए और ये सारे डॉक्यूमेंट जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड होंगे, ना कि पीडीएफ फॉर्मेट में। और दोस्तों, आने वाली सभी प्रकार के एग्जाम से रिलेटेड खबरें पाने के लिए एस को सब्सक्राइब कर ली और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिल जाए। धन्यवाद।